महाराष्ट्र में ठाकरे राज शुरू हो रहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स पर भरोसा करें तो उद्धव ठाकरे के नए मंत्रिमंडल में आदित्य को जगह नहीं मिलेगी। हालांकि राज्य के चुनाव परिणाम आने के बाद शिवसेना ने आदित्य को ही बतौर सीएम प्रोजेक्ट किया था। नई परिस्थितियों में शिवसेना ने अपना फैसला बदल लिया है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि एक ही परिवार से दो लोगों का मंत्रिमंडल में शामिल करने से पार्टी की छवि खराब होगी, लिहाजा आदित्य को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। वे राज्य भर में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेंगे।